मैं ते दरवाजा दे दे मर गया 30 साल बड़ो कन पिंडे दे आन तू जानदा ने किस रसम है मैं केड़ा जाम दा वे तू लग रहा जिद्दा मेरी दरखास्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इस्लाम भाई आप भी हाल चाल पूछ लें। इस्लाम भाई हाल चाल पूछ लें। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो? खरीत से तो आसिम भाई के जहन में जो है वो अभी अभी जहन में बात आया, कहते हैं कि जो है वो व्लॉग शुरू करते हैं एकदम से। हमें पता नहीं बनता क्या है, अचानक इरादा बन गया। वैसे कोई प्लान नहीं था वो। जनाब मुजम्मल भाई मुल्ला और आगे हमारे अमर भाई जा रहे हैं। ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड खाली है, कोई बंदा नहीं है। ये हमारा ग्राउंड है वॉलीबॉल का, लेकिन फिलहाल खोते किधर है? अभी हम आए हैं ग्राउंड में और ये जनाब गधा फिर रहा है। खोटा पैसा भी किसे वेले कम आंदा, मैं तावत भी यार इंसाना, मैं ओदे नाले गल करनी। अच्छा जनाब मुजम्मल भाई, अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बने तो क्या काम करोगे? इसको हम ना बेरा कर देंगे, वैसे ही असी अगे ही बेरा कर के ना असी के करना है। कोई आपके जहन में होगी ना कि कौन सी बात होनी चाहिए जनाब? जितने मंशूर क्या है, मंशूर क्या है? जितने अल्लाह माफी दे पेंटा शर्टा वाले, सब तू पहला मैं इन्होंने खिलाफ एक्शन लाऊंगा। जेरे मसीती पा के पेंट शर्ट टूट जाते, आप क्यों जनाब? कोई मौलवी कोई मां मस्जिद इन्होंने नहीं दसदा भी आराम है। ठीक है, इस विच नमाज नहीं आती। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म बन के पेंटा शर्टा खत्म, एक बीबिया एक है बच्चे, बीबिया ने पेंटा शर्टा खत्म, शर्ट चूड़ी पजामे दे फलाना दे नमकाना पाइए, बिल्कुल नहीं। भाई अमर भाई आप क्या करेंगे अगर वजीर आजम बने तो? मैं एक दिन के लिए वजीर आजम बनना ना, अपनी आंखें सही करा लांगा। मैं सिर्फ अपना लाज करवा लूंगा, मैं कोई जरूरत नहीं किसी ने सोचन की, हर बंदे अपनी पे ही है। मैं बंदा पसंद ही नहीं। ये जनाब हमारे मुजम्मल भाई और अमर भाई का मंशूर था कि अगर ये वजीर आजम बनने के तो इन्होंने अपनी राय दी है। वो जनाब इमरान बिल्ला साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया जी कि अगर मैं वजीर आजम बना ना तो मैं ये जनाब जो हमारा ग्राउंड है ना, असल में ना इसके वो पीछे जनाब लगे हुए हैं, जालियाँ लगी हुई हैं और साइड पे नहीं है और पीछे भी नहीं है, तो ये बड़ा मसला बनता है। जो हमारी बॉल है ना वो नीचे चली जाती है, जिस वजह से जो है ना वो गंदम ख़राब होती है। तो कहते हैं मैं ना वज़ीर आज़म बना तो यहाँ जाले लगवाऊंगा। मंशूर तो अच्छा है ना कि किसी की क्या बोला जनाब? मंशूर तो अच्छे है ना भाई, भी मतलब किसी का नुकसान करके अपना फायदा करना भी तो इंसान वाला काम। बिल्कुल ठीक है। और मुजम्मल भाई आप क्या करना चाहिए? मैं ना भाई मैंने भर्ती करा दी कि वज़ीर आज़म रहन दियो। मैं ते दरखास्त दे दे मर गया 30 साल बड़ो कहने पिंडे दे तू जाना ने किस रसम है अपने भर्ती करने निचले तबके इन्ना नहीं बचा दे, बड़ी गल। हमारा भाई मुजम्मल है हर जगह पे अपनी दरखास्त दे के आता है, लेकिन कोई इनको रखता नहीं। शायद कमी है ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ठीक है सर, चलें ठीक है जी, बोला बताए आप, लेकिन ये कि आपकी हम ना दरख्वास्त जो है वो पहुंचा देंगे यूट्यूब के थ्रू ना, आपकी आवाज जो है पहुंच जाएगी वजीर आजम तक कि ये हमारा भाई क्यों नहीं जनाब, कोई रीजन तो देना, लेटर तो देना, वजह क्या है, वजह क्या है कि क्यों नहीं रखते। ठीक है जनाब, तो आप फिर वजीर आजम नहीं बनना पसंद करेंगे? ठीक है, वैसे एक गल हकीकत है। अच्छा हकीकत है, ठीक है, माँ प्यो ने समझाना चाहिए ना बच्चे, बिल्कुल मस्ती करते जरा कुछ समझाया अगू बंदे अखा कटते साडा मुड़ा मसीती आंदा ते तको जी इंजे निके सजदा करते ने जनाब दे बाबे ने पुराने वक्त वाले वो तहमंद पाया जनाब बाबे ना दे नाल जनाब सजदा किया सजदा लत्ता मतलब पुराने वक्त मतलब चलो उन्होंने अपना पीड़ा की सिस्टम बिल्कुल ठीक सेट किए ज्यादा गर्दन ज्यादा बच्चा नहीं गलती तो बच्चा नहीं ना भी लम्मा सजदा कर देना भी हाथ लम्मे करके पैर पीछा कट लेंगे बच्चे मस्ती कर देना बच्चे ने समझाना चाहिए अभी हम निकलने लगे ग्राउंड से और ये अमर भाई अपनी ताकत का मुजाहरा दिखा रहे हैं जनाब भाई उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया हुआ है वाह क्या बात है ये कितना वजन है इस्लाम भाई आप क्या आपका वजन कितना इस्लाम भाई दादा लान के चुके हैं अगर किसी बंदे ने ये बग्गी बुक करनी है तो पहले बताए रब्ता कीजिएगा क्योंकि अगले बहुत दिन बिजी है ये जनाब शादियों के फाट भी है कि जब हंसते हैं ना तो ये हंसते हंसते ना इनकी आंखें बंद हो जाती है हाँ इनके एक फाल्ट शाम के बाद इन्हें नजर कुछ नहीं आता तो ये क्या आपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्या कर रहे हो ये बच्चे खेल रहे हैं ओए किधर जा रहे हो सारे